तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म आपका भी रिजेक्ट हो गया है, रिजेक्ट वाई डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, रिजेक्ट वाई स्टेट आ रहा है, या आपका रीजन फॉर रिजेक्शन में आपका खतौनी नॉट अपलोडेड लिख के आ रहा है, या आपका खतौनी की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, आपने ऑनलाइन किया था उस समय आपने खतौनी अपलोड नहीं किया था उसके वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट फॉर्म का सुधार कैसे करेंगे, रिजेक्ट फॉर्म को एडिट कैसे करेंगे, रिजेक्ट फॉर्म में खतौनी अपलोड कैसे करेंगे, खतौनी अपलोड करने के बाद में रिजेक्ट फॉर्म को सबमिट कैसे करेंगे। अभी कुछ किसान भाई फॉर्म को सबमिट करते हैं या सेल्फ अपडेशन करते हैं तो साइट बैग हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपका जो साइट का इश्यू आ रहा है वो बैग नहीं होगी, फाइनल सबमिट में आपका फॉर्म सबमिट होगा, एक ही क्लिक में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपका जो स्टेटस है वो पेंडिंग में चला जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपका फॉर्म चाहे रिजेक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट हो या रिजेक्ट बाय स्टेट हो या खतौनी के वजह से रिजेक्ट हो, किसी प्रकार का भी रिजेक्ट होता है तो आप सेल अपडेशन के जरिए अपना फॉर्म का सुधार कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है, pmkisan.government.in इस पोर्टल पे आ जाना है। इस पोर्टल पे आने के बाद में आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको 3 डॉट में जाना है। जैसा कि हमारी जो साइट होती है बैग हो जाती है, सेल अपडेशन नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे 3 डॉट पे जाना है। वैसे 3 डॉट पे जाएंगे आपको हिस्ट्री मिल जाए दोस्तों, उसके बाद में आपको हिस्ट्री इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको यहां पे डिलीट ब्राउजर डेटा मिला है, इस पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपको ऑल टाइम का मिल रहा है और आपको लास्ट 4 वीक का मिल रहा है। तो आपको ऑल टाइम का यहाँ से हिस्ट्री को जो है वो क्लियर डेटा कर देंगे, डिलीट यहाँ से कर देंगे। जैसे ही आप हिस्ट्री पे डिलीट करते हैं वैसे ही आप पीएम किसान पोर्टल का दोबारा यहाँ से लॉग इन कर लेंगे। तो उसके बाद में हमें जाना है अपडेशन सैब स्टार फार्मर पे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो हमारा जो हिस्ट्री होता है वो डिलीट इसलिए करवाया था हमने आपका, क्योंकि आपने कितनी बार प्रयास किया हुआ आपका फॉर्म साइट बैक हो जाती है, एरर की वजह से आ जाती है, आपका फाइनल सबमिट नहीं होता है, तो जो आपका हिस्ट्री होता है उसमें डाटा सेव हो जाता है, वो ही आपका हिस्ट्री में वापसी हो जाता है और आपका न्यू डाटा वहां पे सेव नहीं हो पाता है दोस्तों। ठीक है, तो उसके लिए आपको अपडेशन सेल्फ स्टार्ट में जाना है, उसके बाद में आधार नंबर को डाल देना जिस किसान भाई का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, आपको जो कैप्चर मिल रहा है कैप्चर डाल देना है और सर्च पे ओके कर देना और कैप्चर डाल देना है। उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर मिल रहा है दोस्तों, जो मोबाइल नंबर है वो आप यहां से चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर अपने आधार कार्ड पे जो लगा है वो यहां पे डाल सकते हैं दोस्तों। टीपी यहां से मिलेगा, ओटीपी आपके मोबाइल पे चला जाता है, ओटीपी हैज बीन सेंट योर मोबाइल नंबर, आपका ओटीपी 4 अंकों का जाता है, वो ओटीपी आपको यहां पे फिल कर देना है और फिल करने के बाद में आपको ये कैप्चा मिल रहा है, वो कैप्चा आपको यहां पे डाल देना है। उसके बाद में गेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आपने गेट आधार कार्ड पे ओटीपी क्लिक किया, उसके बाद में जो आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो आधार कार्ड पे आपका एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी हैज सेंड आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ठीक है, आपके आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर आपका ओटीपी गया है, ओटीपी यहाँ पे दर्ज करेंगे और आपको यह कैप्चा मिल रहा है, वो कैप्चा आपको न्यू फिल कर देना है और आपको आई कंसेंट पे ओके कर देना है, आपको टर्म और कंडीशन पे ओके करना है और आपको सबमिट पे ओके करना है। अब फॉर्म लॉगिन होने के बाद में आपका स्टेट मिल जाता है, डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, आपको डिस्ट्रिक्ट जिस जिला में रहने वाले हैं वो जिला आपको सिलेक्टेड कर लेना है, सही से फॉर्म को भरना है, जल्दबाजी आपको नहीं करना है दोस्तों, और आपको सब डिस्ट्रिक्ट भर लेना है, ब्लॉक भर लेना है, विलेज भर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक मिलता है कि आपको जो फॉर्मेट टाइप है वो आपको यहाँ पे चुन लेना है कि आपको स्मॉल है या आपको अदर है। यदि आपका जो जमीन है 1 हेक्टर से 2 हेक्टर है तो आपको स्मॉल चुनना है, यदि आपकी जमीन 1 हेक्टर या कम है या उससे ज्यादा है तो अदर पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी है जनरल ओबीसी, जो भी एससी है वो डाल सकते हैं, फिलहाल इसमें एससी ओबीसी नहीं आता, ओबीसी वाले जनरल में यहाँ पे आते हैं दोस्तों। ठीक है, एड्रेस का आपका आ जाएगा मोबाइल नंबर यहाँ पे और एड्रेस हाइड कर दिया है हमने दोस्तों, यहाँ से पिन कोड आपका, यहाँ से जो आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर, जो आधार कार्ड पे आपका एड्रेस है वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ से ले लेता है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे मिल जाता है कि आपका जो लैंड रजिस्टर्ड आईडी होती है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसा कि आप जो खतौनी, आपका जो जमीन का खतौनी है आपके पास में या आपने तहसील से निकलवाया हो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है दोस्तों। ठीक है, तो आपको यहाँ पे खतौनी का जो लैंड रजिस्ट्रेड आईडी होती है वो मिल जाती है खतौनी में, यदि बाई चांस नहीं है तो आपको इसे एन करके डाल छोड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एन करके यहाँ पे छोड़ सकते हैं। दूसरा आपको यहाँ पे मिलता है राशन कार्ड, राशन कार्ड है तो डालें, नहीं तो इस पर भी एन ए डाल के छोड़ सकते हैं, एन ए डाल देंगे इससे भी कोई कंपलसरी है नहीं है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक ले लेता है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे मनधन योजना मिल जाती है, इस मनधन योजना का आप लाभ लेना चाह रहे हैं तो यस करें, नहीं तो इसे नो रहने दें, नो रहने देंगे तो यही अच्छा है, यस करेंगे तो इसमें आपका कुछ मंथली इसमें चार्जेस कटता है, चाहे 100 रुपये या 80 रुपये या 50 रुपये, इसलिए इसे इस योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं तो यस करें, नहीं लेना चाह रहे हैं इस पर नो कर दें। उसके बाद में आपको स्कॉट डाउन कर लेना दोस्तों। अब स्कॉट डाउन करने के बाद में आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है, उसके बाद में आपको यहाँ पे मिलता है ऑनरशिप मिल जाता है, आपकी जो जमीन है सिंगल है ज्वाइंट है, आप सिंगल ज्वाइंट का मतलब समझ लेना है, आपको जो जमीन है जैसे घर परिवार में भाई या बहन या पड़ोसी
यह गांव का कोई भी सदस्य आपके इंतखाब या खतौनी में है तो आपको ज्वाइंट पे करना है। यदि आपका जो चक है एक ही नाम से है, सिंगल नाम आपका ही है, तो आपको सिंगल पे ओके करना है। जैसा कि इन किसान भाई का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, तो इन किसान भाई ने दो यहाँ पे रकबा यहाँ पे कर दिए थे, उसकी वजह से इनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। और इन किसान भाई ने पूरी हेक्टर का जो इनका क्षेत्रफल था वो टोटल यहाँ पे डाल दिया, उसकी वजह से इनका रिजेक्ट हो गया था। तो इन किसान भाई ने जो किया है वो आपको यहाँ पे गलती नहीं करना दोस्तों, ठीक है? तो गलती नहीं करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एक खतौनी निकाल लेना। जैसा कि मैं यूपी का रहने वाला हूँ, तो यूपी का खतौनी कैसे निकालते हैं, तो आपको एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, यहाँ से डालना भूलेख। जैसे आप यहाँ से भूलेख डालेंगे तो यहाँ से अपना जो यूपी का जो खतौनी होता है वो निकल जाएगा, भूलेख फर्स्ट वाले पे यहाँ से क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद में आपको यहाँ से जो जनपद है, जिला है, जिस जिला में आपकी जमीन है वो सिलेक्टेड कर लेना है, तहसील कौन सा है और ग्राम कौन सा है, किस ग्राम पंचायत में आपकी जमीन आती है, किस गाँव में जमीन आती है, वो आपको यहाँ से सिलेक्टेड कर लेना है दोस्तों, ठीक है? उसके बाद में आपको यहाँ पे एक खसरा नंबर मिल जाता है, खाता संख्या मिल जाता है, खातेदार का नाम मिल जाता है। यदि आपके पास में कुछ नहीं है तो खातेदार का नाम से सर्च कर सकते हैं। यदि आपके पास में कुछ नहीं है तो खातेदार का नाम यहाँ पे डालेंगे, वही सर्च कर लेंगे दोस्तों, ठीक है? हमारे पास में खतौनी है तो उसका खतौनी का नंबर डालेंगे। नंबर डालने के बाद में सर्च पे यहाँ पे खोजो पे ओके करेंगे। तो जैसे कि मेरे यहाँ से खतौनी को मैंने ओपन कर लिया है, ओपन करने के बाद में आप देख सकते हैं जो खतौनी है वो ओपन हो जाएगी। पहले यहाँ पे खाता नंबर मांगा जा रहा है, तो खाता नंबर हम यहाँ से देखेंगे, जो खाता संख्या है यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ से जो खाता संख्या है वो कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे दोस्तों, ठीक है? दूसरा होता है कि हमारा जो खसरा संख्या है, यहाँ से खसरा संख्या मिल रहा है, आपको ऊपर देख सकते हैं खसरा संख्या मिल रहा है, तो खसरा संख्या यहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे, डाल देंगे। उसके बाद में एरिया हेक्टर मिल रहा है, एरिया हेक्टर का मतलब होता है कि आपको जिस नाम, जैसे कि इनका नाम जो भी है, यहाँ से नाम देख सकते हैं, पहले नंबर, दूसरे नंबर, चौथे नंबर, आपको यहाँ पे क्रम संख्या मिल जाती है। आपको मानते चलते हैं कि आपको क्रम संख्या है पाँच नंबर है, जैसे मान के चलते हैं आपकी क्रम संख्या छः है, तो आपको यहाँ पे छः नंबर में देख लेना है, जो भी आपका छः नंबर में होगा, तो इन किसान भाई का जो भी छः नंबर में इनकी जो जमीन पड़ेगी वो इस प्रकार से पड़ेगी। तो छः नंबर वाला इन इस प्रकार से जमीन पड़ेगी, तो आपको यहाँ पे देख लेना, वो यहाँ पे कॉपी करना है और यह आप देख लेना है, वही आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आप यहाँ पे जैसे कि आपका इंतकाब है उसमें आपका क्षेत्रफल ज़्यादा है, जैसा कि इन किसान भाई का जो क्षेत्रफल है करीब 20 बीघा का चक है, तो इन किसान भाई को 20 बीघा यहाँ पे जमीन नहीं डालना है, जो भी इनके हिस्सा में जो भी इनकी जमीन पड़ रही है वो आपको यहाँ पे फिल करना है दोस्तों, ठीक है? उसके बाद में आपको यहाँ पे मिलता है V4। आपको सिंपली कुछ भी नहीं देखना, आपकी जमीन चाहे 2019 से पहले आई हो या बाद में, आपको V4 पे चॉइस कर देना है, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ वही किसान ले सकते हैं जो 2019 से पहले जमीन ली गई हो, 2019 से पहले उनके पास में जमीन हो या जमीन पहले खरीदी हो, या उनके पास में जैसे दादलाती जमीन आए, पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं या पति एक्सपायर हो जाते हैं, तो आप यहाँ पे आफ्टर पे क्लिक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है? उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो लैंड ट्रांसफर डिटेल है, आप किस अनुसार आपकी जमीन आई थी, आपने जमीन खरीदी तो परचेज करेंगे, आपके पति के नाम पे आई थी या पिता के नाम पे आई, वो यहाँ पे सिलेक्टेड कर लेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे डेट डाल देना है, उसके बाद में आपको यहाँ पे ईएस पे ओके करना है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मिल जाता है, आपको यहाँ पे खतौनी को अपलोड करना है। खतौनी को अपलोड कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने आपको करंट का जो खतौनी निकाला था, आपको यहाँ पे जाना है कंट्रोल पी से जाना है, कंट्रोल पी के साथ में आपको यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल बना लेना है, जैसे कि यहाँ पे पेज दिख रहा है, आपको मोबाइल के जरिए और भी आ सकता है, फिलहाल ये लैपटॉप पे यहाँ पे आ रहा है, आपको सेव पीडीएफ पे जाना है। सेव पीडीएफ पे जाने के बाद में यहाँ से खतौनी का जो साइज होता है वो 200 KB रखना है। बाई चांस आपका खतौनी यहाँ से साइज नहीं बनता है तो गूगल क्रोम से भी अपना 200 KB का साइज बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है? आपको इसमें जो डॉक्यूमेंट का जो साइज होगा वो 200 KB के अंदर रखना है, पीडीएफ साइज रखना है, जैसा कि ये पीडीएफ है, और पीडीएफ साइज रखना है 200 KB रखना है, 200 KB जैसे 150 KB रख सकते हैं, 190 180 रख सकते हैं, 200 के नीचे रख सकते हैं। उसके बाद में आपको सेव पे ओके करना है, सब कुछ डेटा देखने के बाद में आपको सेव पे ओके कर देना है, तो आपको जो फॉर्म होगा एक ही बार में सबमिट हो जाएगा। जैसा कि इन किसान भाई का जो फॉर्म है एक ही बार में सबमिट हो गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ से मिल गया। अब रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद में दोस्तों आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है, उसके बाद में 10 से 15 दिन के बाद में यह फॉर्म आपको कृषि विभाग जमा करना है दोस्तों, ठीक है? यदि यह फॉर्म आप कृषि विभाग जमा कर देते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है 10 से 15 दिन में अप्रूवल हो जाता है, या 20 दिन में फॉर्म अप्रूवल हो जाता है, और जो आपकी 18वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा डलेगा या आने वाली इंस्टॉलमेंट का पैसा डलेगा वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि साइट बैग नहीं हुई, एक ही बार में आपका फॉर्म यहाँ से सबमिट हो जाता है। अभी मैं आपको टाइम भी बता देता हूँ, जो टाइम है अभी जो टाइमिंग है
वो अभी जो टाइम है वो आपको यहाँ पे मिलता है 31 जुलाई है और सुबह के 8:16:33 हो रहे हैं। इस समय आप ये फॉर्म है सबमिट हो गया है। आप सुबह के टाइम पे अपना फॉर्म भरेंगे तो अच्छे से सबमिट हो जाएगा। यदि साइट बैक हो जाती है तो क्लियर हिस्ट्री को कर लेंगे तो एक ही बार में आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट वाला फॉर्म यहाँ पे सेल्फ अपडेशन ठीक से हो जाएगा, फाइनल सबमिट हो जाएगा, किसी प्रकार की भी यहाँ पे समस्या नहीं आएगी। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पे पीएम किसान सम्मान निधि के रिलेटिव वीडियो डाले जाते हैं। कोई भी समस्या आती है या आपको अभी समस्या नहीं आ रही, आने वाले समय में कभी ना कभी समस्या आएगी पीएम किसान सम्मान निधि के तहत, इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर